नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। किसी भी हिंदू परिवार के घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, जहां पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उसका प्रत्येक घर में एक अलग अलग महत्व होता है। हमें कभी भी पूजा घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुरझाए हुए फूल, अगरबत्ती की राख और माचिस की तीली भगवान के स्थान पर रखते हैं तो इसके आपके घर में बरकत नहीं होती। माचिस की तो पूजा रूम में फेंकना भी नहीं चाहिए। किसी भी तरह से पूजा रूम को गंदा करने में उस पर भगवान का वास नहीं होता। इसके अलावा पूजा रूम के बारे में एक और बात ध्यान देने वाली है कि लोग अक्सर अपने पूजा रूम में माचिस रखते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा रूम में माचिस रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और भगवान का वास नहीं हो पाता। पूजा रूम में कभी भी अगरबत्ती की राख नहीं रखनी चाहिए। जिस अगरबत्ती या धूप से आप पूजा कर रहे हैं उसे जल जाने के बाद उसकी राख को वहाँ से हटा दें। घर के मंदिर में उग्र देवता की फोटो सभी देवताओं के साथ नहीं रखनी चाहिए। कुछ शास्त्र के मुताबिक अगर आप उग्र और ताकत के प्रतीक माने जाने वाली देवताओं की फोटो अगर आप सभी देवताओं के साथ रखते हैं तो उसका सही लाभ आपको नहीं मिलता। अगर आपने पूजा गृह में माचिस रखी भी है तो उसे कागज़ या कपड़े में लपेट के रखें। पूजा घर में जली हुई माचिस की तिल्ली और मुरझाए हुए फूल कभी नहीं रखते। यह सब नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। पूजा करते वक्त इन सभी चीज़ों के दर्शन से आपका बढ़ा हुआ काम बिगड़ सकता है। इस वजह से पूजा घर को साफ रखनी चाहिए।